आप देख रहे हैं TNB। बंगाल में जब चुनाव का वक्त हो तो झड़प की खबरें आम बात होती है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है जिसमें TMC और BJP के समर्थकों के बीच मारपीट हो जाती है। आज बंगाल में छठी चरण का चुनाव हुआ जिसमें TMC का सीधा मुकाबला BJP के साथ देखा गया। कई जगहों से मारपीट की घटना सामने आई। वहीं बैरकपुर में राज चक्रवर्ती को देख लोगों ने गो बैक का स्लोगन दिया तो दूसरी तरफ TMC के प्रत्याशी शाइनी को देखकर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। बंगाल में आज छठे चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है और अब सातवें फेज की तैयारी में सारी राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी है। और इन सब के बीच हमारे रिपोर्टर जावेद अख्तर ने लोगों से बातचीत की कि आखिर कोरोना का असर कितना चुनाव पे पड़ रहा है और बंगाल में हवा किस तरफ बह रही है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा बंगाल की जनता ने। नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं द नेशनल बुलेटिन। मैं इस वक्त कोलकाता के गार्डन रिच इलाके में हूँ। हम कई लोगों से यहाँ बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो छठा चरण का चुनाव हुआ है उस पर इनका क्या राय है, इस बार क्या 2 मई को जो रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या दीदी की सरकार बनेगी या परिवर्तन होगा या मोदी की सरकार बनेगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का मरहला यहाँ पर इस बार 8वें चरण में है और छठा चरण से ही कोविड एक महामारी का शक्ल ले लिया। यहाँ पर कई लोग मारे जा रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं गोबरा में एक दिन में 54 लोगों को दफनाया गया, उसी तरह कालीघाट में लाइन लगा के लाश जलाई जा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें किसकी सरकार बनेगी? ममता दीदी की सरकार जी। क्यों, क्या कारण? ममता का सब सपोर्ट है और वो देख रही है सबको, सबका हेल्प कर रही है। मोदी तो हेल्प नहीं कर रहा है, हेल्प कर रहा है एक तरीका से गलत कर रहा है। तो मोदी जी ने सोनार बंगला कहा बनाने के लिए, आपको क्या लगता नहीं? वो कुछ नहीं करेगा, अभी इलेक्शन के लिए जीतने के लिए ये बात बोल रहा है। जीत जाएगा सब खत्म हो जाएगा। और ये अभी लॉकडाउन जो लगवा रहा था तो वो कैंसिल हो गया है, इसलिए कि उसको जीतना है इसलिए वो अभी कैंसिल कर दिया। तो लॉकडाउन होगा कब? होगा नहीं होगा, वो तो बोल रहा कि नहीं होगा। चुनाव होने के बाद होगा क्या? जी हाँ, चुनाव होने के बाद ही होगा। वो जीत जाएगा तब तो होगा। और कहा जा रहा है कि 2 मई ममता गई, आपको क्या लगता? नहीं, ममता नहीं जाएगी। कौन जाएगा? मोदी जाएगा। मैंने खेला होबे की सरकार चाहिए या परिवर्तन की? खेला होबे सरकार चाहिए। आप बताइए सर, आपका क्या नाम होगा? मेरे हिसाब से ममता बनर्जी का सरकार बाकी रहेगी और 2024 में PM मोदी को अपना सीट बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है, इसलिए कि हमारा डिज़ाइन भी ममता दीदी का साथ सपोर्ट में खड़ा रहेगा। और हमारा डिज़ाइन ही महान है क्योंकि हमारा डिज़ाइन आपकी आवाज़ है और जीने दो ट्रस्ट की तरफ से है और ये पब्लिक के लिए है। क्योंकि ऑनलाइन में जिस तरह मोदी परेशान कर रहा लोगों को, आज बैंक में ऑनलाइन में मतलब ऑनलाइन जैसे कि मान लीजिए जीरो बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए पहले तो जीरो में था, अभी तो 500 रुपया रखने पड़ता है। वो सब पैसा का मालिक कौन है? मोदी है। RBI मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए कि RBI मोदी के अंदर में। और इधर कोविड जो बढ़ रहा है उसके लिए दीदी ने क्या किया है? कोविड-19 देखिए, कोविड-19 बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन इससे बड़ा समस्या है गरीबी है। गरीबी पर सरकार क्यों काम नहीं कर रही है, हमारा सवाल है। ये बीमारी का काम है आना और फिर चले जाना, गरीबी तो महाबीमारी बना पड़ा है। तो मोदी जी ने कहा कि स्टेट अपना काम देखेगी, अपना संभालेगी। ये तो माने एक तरह का फंसाया ही आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को फंसाया जा रहा है। पहले लॉकडाउन लगाया गया और आज मोदी सरकार बोल रहा है कि लॉकडाउन नहीं होगा, इससे अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाएगा। तो उसको तो पहले सोचना चाहिए था, जब 2020 में मार्च महीने में जो आपका 19 तारीख को जो लॉकडाउन लगाया 6 महीना, तो लोग तो टोटल पूरे तरीके से टूट गए। अब लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, तो मोदी घबरा रहा है इस बात को लेकर कि फिर अगर हम लॉकडाउन लगा दें तो जनता रोड पर आ जाएगी, जिस तरह किसान रोड पर आए हुए हैं। इसलिए मोदी बहुत चालाक इंसान है और उसका चालाकी को अगर समझना है तो मैंने अंधेरे घर में बैठ के उसके डिजाइन को समझने पड़ेगा कि वो कहाँ से राजनीति कर रहा। एक तो पूरा तरीके से आप देखिए ABM को पूरे तरीके से हैंग करके रखा है। ABM को हैंग किया हुआ, ABM में गड़बड़ी हो रहा है, एकदम गड़बड़ी है। यहाँ हमारे गार्डन रिज में हमारे क्षेत्र में भी यही हुआ, जोहर स्कूल में हुआ। क्या हो रहा है उसमें? उसमें 1 से लेकर 9 नंबर बटन तब दबा गया और BJP का निकला सब में। हाँ, वो लेके बहुत हंगामा हुआ, बहुत झमेला हुआ। जहाँ नंदीग्राम जहाँ दीदी लड़ी है वहाँ 3 नंबर बटन था, वहाँ 3 नंबर बटन दबा जा रहा है तो कमल का फूल निकल रहा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि दीदी को दाबने से चला जा रहा है TMC में, BJP में, तो बोला कांग्रेस को दाब दो वहीं रह जाए।
ये कांग्रेस का कोई कहानी नहीं है, अभी सिर्फ लड़ाई है टीएमसी है बीजेपी। तो किसकी इस बार 2 तारीख को किसकी सरकार लग रहा है? ममता दीदी का सरकार होने वाली है। हाँ, एकदम हर हाल में ममता। एक तरफ आप ईवीएम भी बोले, एक तरफ ममता की सरकार भी बोले। देखिए, चोरी जितना भी हो जाए, सत्य की तो जीत होती है, क्योंकि सत्य ऊपर वाले के हाथ में होता है। ईवीएम भले मोदी के हाथ में है, सत्य और झूठ जो है वो तो ऊपर वाला देख रहा ना। और आपको क्या लगता है भाई? मैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 4 चरण जो स्टार्टिंग में हुआ है, इसमें लोगों ने ये समझ रखा था कि मोदी की पकड़ है। 8 चरण में जो बनाया गया वेस्ट बंगाल के अंदर में, सबसे पहली बात है कि ये 8 चरण में इलेक्शन करने की क्या ज़रूरत थी। मैं डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा कर रहा हूँ और पीएम की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी ये 4 चरण के अंदर में उम्मीद किया गया था कि मोदी जो है इसके अंदर पकड़ रखता है, ये सरकार पकड़ रखता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस 4 चरण के अंदर में ही ममता बनर्जी ने 50% अपने फेवर में हासिल कर लिया वोट। कैसे, किस क्या, कैसे आप दावा कर रहे हैं? इसलिए मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ कि आप तमाम मीडिया की तरफ इशारा करके देख लीजिए, तमाम मीडिया को देख लीजिए। जितने भी मीडिया ने सवाल पूछा है पब्लिक से, वेस्ट बंगाल के पब्लिक से, सब ने एक ही बात कहा है कि ममता ही ममता। अच्छा, आप जैसा जानते हैं कि यहाँ पर 70% और 30% की बातें चल रही है, मैंने 70% हिंदू और 30% मुस्लिम, इस तरह से बंटवारा हो गया बीजेपी ने, क्या इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है हमेशा हिंदू और मुस्लिम ही करती रही है, और मैं कभी भी इसमें डिवाइड नहीं चाहता हूँ। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से अंग्रेजों की पॉलिसी थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में तो कम से कम नहीं होने देंगे हम लोग। और हम कभी इस हिंदू मुस्लिम के मामले में डिवाइड नहीं करना चाहते। हमारा जो वेस्ट बंगाल के अंदर में हमेशा हम लोग एकता के साथ रहते आए, और ये वेस्ट बंगाल ही मुकम्मल हिंदुस्तान समझते हैं, क्योंकि यहाँ एकता ज़्यादा है। आप जैसा जानते हैं कि बिहार में, गुजरात में और भी बहुत से जगहों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ वो सुनार बंगला नहीं बनाना चाह रहे, बंगाल को क्यों सुनार बांगला? क्योंकि उन्होंने वेस्ट बंगाल को नज़र में रखा है। वेस्ट बंगाल जो है हिंदुस्तान का सबसे बेहतर स्टेट है, सबसे बेहतर स्टेट है। यहाँ पर मोदी जी की चलती नहीं है, इसीलिए वो सुनार बंगला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ सुनार बंगला उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो सोना खुद है उसे सोना बनाने की क्या ज़रूरत। आपको क्या लगता है कि सुनार बंगला आपको पसंद नहीं? नहीं, हमको सुनार बंगला पसंद नहीं। वो जहाँ मोदी है वहीं पर रहे, ये बंगाल को खरीदने की कोशिश भी नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा, इतने लोग थे, सभी ने अपने ख्यालात रखे, सभी ये कहना है कि हमें मोदी नहीं चाहिए, दीदी चाहिए। और उनका कहना है कि 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें वो दीदी की सरकार होगी। मोदी अगर अच्छे रहते तो ना लॉकडाउन करते, ना नोटबंदी करते। अगर अच्छे रहते तो वो गरीब के बारे में सोचते कि हम नोटबंदी कर रहे हैं तो वो गरीब लोग कहाँ से खाएंगे। कि जो अगर नोटबंदी करना था उनको तो पहले करना चाहिए था, बता के करना चाहिए था, ताकि इंसान पहले से अपना व्यवस्था कर लेता। तो डायरेक्टली कर दिए कि ऐसा किए थे, कितने इंसान मर गए। फिर लॉकडाउन किए, अचानक से किए, 1 महीना पहले किसी को नहीं बताया कि लॉकडाउन आने वाला है, वो डायरेक्टली कर दिए। इंसान के पास पैसा है कि नहीं है ये कुछ नहीं सोचा। तो इस बार उन्होंने पुराने बात से सबक लेके इस बार कहा है कि स्टेट अगर चाहे तो वो लॉकडाउन कर सकते। नहीं, लॉकडाउन अब नहीं होगा, फंसाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, फंसाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। ये राजनीति है, बहुत बड़ा राजनीति है, एकदम बहुत बड़ा राजनीति। और इतने लोग जो मर रहे, स्टेट गवर्नमेंट जो करना नहीं चाहेगी, नहीं चाहेगी स्टेट गवर्नमेंट को। मालूम है कि लॉकडाउन होगा तो गरीब क्या खाएंगे। नहीं हो रहा है, उन्होंने मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, अगर स्टेट चाहे तो कैसा। नहीं भैया, जो गरीब के लिए अच्छा सुविधा वही करिए। कौन करता है गरीब के लिए, कौन काम करता है? सभी कोई जो उठे हैं भैया करते हैं। और ममता बनर्जी के बारे में? हाँ, ममता बस दीदी भी कर रही हैं। मोदी जी आपको नहीं चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे ही बहुत परेशानी दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गरीब को बहुत मरण है, समझ रहे हैं भैया। जैसे कि आपने सुना कि बंगाल की जनता की क्या राय है और उनका झुकान किस तरफ ज्यादा है। अब तक बंगाल में 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और राजनीतिक पार्टियां 7वें चरण के तैयारी में जुट चुकी है, जो कि 27 अप्रैल को होना है। इसके बाद ही आखिरी चरण यानी 8वें चरण का चुनाव होगा और सबसे अंत में 2 मई को मामला साफ हो जाएगा कि आखिर में बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। और साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर में जनता जनार्दन का क्या फैसला होता है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।